अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कियानी हर्बलिस्ट। हम बात करेंगे मिस कैरेजेस, प्रेगनेंसी लॉस, इसका ते अमल, अमल का ज़ाया होना, अमल का गिर जाना। ट्वेंटी % माएँ प्रेगनेंसी के दौरान अपने अमल से महरूम हो जाया करती हैं। ये मतलब एक सिनेरियो है हमारा, बहुत अलमनाक हो सकता है एक माँ के लिए। हम इस टॉपिक पर मुख्तलिफ आस्पेक्ट को देखेंगे कि मिसकैरेज क्यों होते हैं, कौन सी ऐसी बॉडी में कंडीशंस हैं या ऐसी बीमारियां हैं जो मिसकैरेज करवाती हैं, माँ के पेट में बच्चे का मर जाना या खून की सप्लाई बंद हो जाना या बच्चे की दिल की धड़कन रुक जाना या हमल के दौरान जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो किस तरह से हमल को साकित करती हैं और माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को इंतहाई ख़तरा दरपेश होता है इस कंडीशन में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननोन भी हैं, अनएक्सप्लेन भी हैं, लेकिन मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी जाती हैं। इसका जो मेन सबसे बड़ी वजह है वो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो हमारी जनिनियात में, हमारे जेनेटिक्स में माँ बाप और जो हमारे फैमिली के बड़े हैं वहाँ से हमारे सिस्टम में फिक्स हो जाते हैं। उनसे हम ना लड़ सकते हैं ना उनको चेंज कर सकते हैं। ये और बात है कि मेडिकल साइंस यहाँ पे भी बहुत कुछ करके बैठी हुई है और बहुत सारे मसाइल को हल भी कर रही है, प्रिवेंट भी कर रही है, मैनेज भी कर रही है, ट्रीटमेंट भी दे रही है। तो क्रोमोसोमल जो डिफेक्ट हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, फिजिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, फीमेल की बात करते हैं, ये मौजू ही फीमेल का है बराह रास्त, मेल भी इसमें ज़ाहिर है, उसका भी कुछ स्पर्म्स के हवाले से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन 99% यहाँ पे फीमेल का ही इशू है। तो बॉडी के जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से, कि ओवरी जो है वो अपने स्ट्रक्चर में ठीक नहीं है, या यूट्रस की जो फॉर्मेशन है या उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं है, साइज़ में कम है, या उसमें एक सेप्टा की कंडीशन आती है कि वो दो हिस्सों में या बहुत ही एट्रोफी कंडीशन में हो जाती है, साइज़ में कम हो जाती है। तो ये इसमें बनावटी जो नुक्स होते हैं तौलीदी आज़ा के, रहम का मुंह जो है वो छोटा है या खुला हुआ है या बिल्कुल ही बंद है, फैलोपियन ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है वो, या उसके अंदर जो कोई सोजिश और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन्स हैं, ये इसके कॉमन हार्मोनल जो इसके कॉज बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं। हार्मोन के हवाले से बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, हाइपो हाइपर या ऑटो डिज़ीज़ है, इसमें ये सारे के सारे मिसकैरेज करवा सकते हैं, इनफर्टिलिटी में भी इशू बन सकते हैं, रिप्रोडक्शन के पूरे सिस्टम को ये मुतासिर कर सकते हैं। पीसीओ का एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। इसके अलावा हाइपरटेंशन टाइप की जो कंडीशंस हैं और डायबिटिक मेलाइटिस जो है वो बहुत बड़ा एक रीज़न है मिसकैरेजेस का।
और ऑटोइम्यून डिजीज़ में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो मुतासिर होती है उससे भी हमारे तौलीदी आज़ा का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, ये सारी चीज़ें सप्रेस होती हैं, मुतासिर होती हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे ल्यूपस और SLE है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और अर्थराइटिस रूमेटाइड टाइप की जो कंडीशंस हैं जो ऑटो सिस्टम से कनेक्टेड हैं और यहाँ पर रिप्रोडक्शन को मुतासिर करके इस कादे अमल का सबब बन सकती है। इन्फेक्शन में बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं जिसमें बहुत ही शदीद किस्म के इन्फेक्शन अक्यूट कंडीशन में होते हैं, जैसे मलेरिया है, कोई और फीवर है, टाइफाइड का फीवर है, या लॉन्ग टर्म की जो इन्फेक्शन्स हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है और डिफरेंट जो वायरसेस हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स हैं, ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं। इसके अंदर UTI के इटसेल्फ बहुत सारे इन्फेक्शन्स इसमें आते हैं, कैंडिडास और ट्राइकोमास, इकोलाई, STD, UTI जो फीमेल के स्पेशल इन्फेक्शन्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं, जो इनफर्टिलिटी में भी कॉज करते हैं और फर्टाइल वुमेन को मिसकैरेज भी करा सकते हैं। फिर इसके बहुत सारी वजूहात जो हैं वो हमें मिलती हैं हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें आपकी जो हैबिटेशंस हैं गलत तरीके की, जो स्मोकिंग, एडिक्शन, ओबेसिटी, जब बहुत ज़्यादा डाइट में आप कार्ब्स ले रहे हैं या फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऑयली चीज़ों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, स्पाइसी चीज़ों का आप ज़्यादा ले रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो आप, मतलब डाइट में, न्यूट्रिशन में कोई भी आप अगर गलत करते हैं तो उसका इम्पेक्ट आपके बॉडी के सिस्टम पर तो आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बीमारियों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक्लेम्शिया सडन हाई रिस्क एक डिज़ीज़ है जो सडन होती है और इसमें हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो ऑलरेडी जिन माओं को पहले से ही ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए तो ये इशू और ज़्यादा सीवियर होता है, और बाज़ दफ़ा गेस्टेशनल हमल के दौरान जो वक्त है उसमें अचानक भी ये हुआ करता है, तो ये बच्चे को सडन डेथ की तरफ लेके जाता है। डायबिटिक एक बहुत बड़ा इसमें रोल है और तकरीबन 30-40% माओं का इसका हमल शुगर की वजह से भी होता है, बहुत बड़ा रीज़न है इसका। उसमें खून गाढ़ा भी हो जाता है, ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर में भी गाढ़ा हो जाता है दोनों सूरतों में, और चूंकि उसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरत से होता है जिससे बच्चे का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, और शुगर की वजह से बच्चे की जो न्यूरल कंडीशन है, ब्रेन की फॉर्मेशन है, और बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आया करती हैं। और उसमें अक्सर अगर सही तौर पे कंट्रोल ना हो तो इसकाते हमल का ख़दशा तो रहता ही है। अब इसकाते हमल की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, बाज़ दफ़ा तो बहुत अर्ली ट्राइमेस्टर जो है वो शुरू के महीने में या दूसरे तीसरे महीने में हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो 7वें-8वें महीने में होता है। तो सिस्टम में जो फंक्शन वाइज बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं वो शुरू में ही मिसकैरेज करा देती हैं, और बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जैसे यूट्रस की डिफॉर्मिटी है या रहम की जो नाली है वो उसका मुंह खुला हुआ है, या अंदर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है और बस्ट होने का ख़तरा होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कॉज करती हैं। अब इन तमाम चीज़ों में जो जितने हाई रिस्क चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, सिस्टमैटिक डिसऑर्डर हैं, इन सब का मैनेजमेंट अगर एक बार हो गया तो पेशेंट का ये काम बनता है कि वो अपनी पूरी एक डायग्नोसिस करवाए, और जब वो गायनी के या ऑब्स्टेट्रिक्स के या जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाती है तो यकीनन वो पूरा मैनेजमेंट इसमें कर लेते हैं, और आइंदा होने ना होने के लिए
उन तमाम वजूहात को ट्रेस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम वो तमाम एहतियातें और तमाम प्रिवेंशन के साथ एक माँ को सही प्रेगनेंसी से गुजार कर एक माँ बनने का हक देते हैं। थैंक यू वेरी मच।